अमन बिहार में शादी से चंद घंटे पहले घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी की तैयारियों के बीच पड़ोसियों से कहासुनी हुई। पहले दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, उसके बाद ये हाथापाई ने हिंसक रूप ले लिया, लाठी डंडे चलने लगे। इसके बाद आरोपियों ने दुल्हन के माँ बाप के हाथ पैर तोड़ डाले और दुल्हन के साथ भी मारपीट की। मेरे घर में आज लड़की की शादी है, रात में मेहमान आए हुए थे, लड़के गाड़ी में सो रहे थे, उनसे कुछ शरारत करते कुछ लड़के को शराब पी के आए, उनसे मारपीट करने के लिए गाड़ी का लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद उन्हें मारने पीटने लगे, फिर वो हमारे घर में घुस गए, उन्होंने लूटपाट की, मेरे दोनों पांव तोड़ दिए, सर में चोट आई। ये मेरी वाइफ है जो आईसीयू में भर्ती है, और सदीश ने रिश्तेदार सबको मारा है और घर में लूटपाट की है। किस किस को मारा है? मेरे रिश्तेदारों को, जैसे हमारे बहनोई हैं, हमारी बहन है, मेरे बच्चे हैं, और मेरी दो भतीजी भी हैं। जिस लड़की की शादी आपकी बेटी की, उसके साथ भी बदतमीजी और मारपीट? बदतमीजी की है, हाथ तोड़ रखा उसका भी। उसका भी हाथ तोड़ रखा। आपने बताया लूटपाट भी की है घर में? लूटपाट भी हुई है सर। लोग उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने किया, कौन लोग हैं ये? सर हमारी कॉलोनी के लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, इनके बारे में कोई भी कॉलोनी वाला आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए इन लोग भी ज़्यादा मतलब हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हम लगन में से आए थे तो हम कार में छोड़ रहे थे, तो एक बबलू नाम का एक लड़का आया, वो मुझसे कार की चाबी मांगने लग गया, तो मैंने साहब मना कर दिया, भाई मैं तुझे कार की चाबी नहीं दूंगा। बदतमीजी करी, गाली गलौज करा, मार गाड़ी करी मेरे साथ, फिर उसने हमारे साथ बाहर गाड़ी करने के बाद मैं फिर मेरे घर वाले आ गए थे बाहर, तो फिर मैं घर वालों के साथ बाहर बैठा हुआ था, तो उसमें मैं चार पाँच लड़के और आए, एकदम से हमारे घर में घुस गए, और एक घुसने के बाद एक ला करके डकैती मारी और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने लगे, और हम भी बचाने के लिए पहुँचे तो हमसे भी डंडे से बाहर खड़ा, डंडे वगैरह ही मारे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।